एक लीजेंड क्रिकेटर त्यांनी मात्र जुनं क्रिकेट फिरकीच्या माध्यमातून गाजवलं असे मात्र आमचे सागावचे सुभाष म्हात्रे साहेबांचं आगमन होत आहे. साहेबांना विनंती करतो आपण येऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. तो बिलकुल यहां से पहला झटका ठीक है. सागावचे अत्यंत लिजंड क्रिकेटर आणि निश्चितच खूपच चांगलं व्यक्तिमत्व आणि चांगले गोलंदाज सन्माननीय सुभाषजी म्हात्रेंचं आगमन होत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आणि त्यांच्या माध्यमात आम्हाला ही ड्रिंक ट्रॉली तुम्ही जी पाहत आहात ती 3 षटकांत मैदानाच्या आतमध्ये जाते त्यांनी उपलब्ध करून दिली त्यामध्ये त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करत आहोत. धन्यवाद. तो बिलकुल यहां से देखा जाए तो पहले विकेट का पतन हो चुका है मानेरे टीम को लगता हुआ पहला झटका. और ऐसे में देखा जाए तो प्रवीण जोशी जिन्होंने अच्छा स्टार्ट देने का प्रयास किया था 5 गेंदों में तकरीबन 6 रनों का योगदान दिया जिसमें एक चौका शामिल जरूर था. पहले गेंद के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था लॉन्ग ऑफ के रीजन में 4 रनों के लिए. तो ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ से नए बल्लेबाज विशाल भुईर प्रस्थान कर चुके हैं. स्ट्राइक को रोटेट जरूर किया था वो करने का इरादा जरूर था. गेंद थोड़ी सी बाउंस भी थी लेकिन यहां से गेंद ने चकमा दिया गेंद से मारेका के बाहर गई. निश्चित रूप में एक शानदार चौका. धन्यवाद. तो देखना यहाँ से महज पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल की बात करें तो तकरीबन रन आ चुके हैं 10 रन. एक विकेट का नुकसान ज़रूर हो चुका है मानेरी टीम को. तो यहाँ से देखा जाए तो अब नाहरेन टीम और आज निश्चित रूप में आज सुबह प्रसाद परब सर ने बताया था कि जो मुकाबले हुए ज़्यादा तौर पे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बेनिफिट ज़्यादा मिले हैं इस विकेट के ऊपर. लेकिन आज कुछ अलग फ़र्क दिखने को मिल रहा है क्योंकि दो मुकाबले यहाँ पर परब सर हो चुके हैं और दोनों मुकाबले चेसिंग करने वाली टीमें यहाँ पर जीती है. तो आज कुछ अलग बदल निश्चित रूप में यहाँ पर नज़र आ रहा है. लेकिन ऐसे में देखा जाए तो नारायण टीम जिन्होंने अपने खुद यहाँ पर बल्लेबाजी के ऊपर भरोसा तो जताया लेकिन मानेरी टीम भी पूरे बुलंद हौसले के साथ यहाँ पर खेल रही है. डेफिनेटली तुमचं वक्तव्य मी पूर्णपणे समर्थन देतो कारण जर आपण पाहिलं गेल्या 3 दिवसामध्ये काही चित्र असं पाहायला मिळालं चेंडू हवेमध्ये क्षेत्रक्षक येतात डीप मधनं इथे मात्र झेल फलंदाज बाद निश्चित होतो आहे. पण असं मी म्हणेन की जणू काही तुमचे चरणस्पर्श या मैदानामध्ये लागले आणि तुम्हाला काही वेगळं चित्र पाहायला मिळतं कारण 2 सामने चेसिंग करताना जिंकलेले आहेत आणि हा एक विक्रम आजच्या दिवसात पाहायला मिळतो आहे. ज़रूर ज़रूर निश्चित रूप में क्योंकि देखा जाए तो क्रिकेट कब रंग बदलेगा और कौन से क्षण में किसका पड़ा भारी होगा इसका अनुमान बिल्कुल अंतिम मोमेंट तक नहीं लगाया जाता है. और ऐसे में आज ऐसे कई ऐसे बिग फाइट मुकाबले हम देखने वाले हैं. लेकिन यहां से मानेरी टीम को एक और झटका लग चुका है. दूसरे विकेट का पतन ज़रूर हो चुका है लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अब इस विकेट की बात करें तो काफ़ी सख्त विकेट है. गेंदबाजों को काफ़ी मदद दे रही है लेकिन बल्लेबाजी भी काफ़ी उतनी ही नायाब हो रही है. लेकिन ऐसे में गेंदबाज फिर से एक बार डिफेंसिव खेलने की कोशिश जरूर की थी शानदार कैच और इसी के साथ एक और विकेट बैक टू बैक 2 झटके. नारायणगावचे आणि आगरी समाजाचं निश्चित एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व एक अप्रतिम उत्कृष्ट असे गायक सुद्धा आहेत आणि त्याचबरोबर एक गीतकार सुद्धा आहेत. शिव म्हात्रे यांचं आगमन झालं आहे. साहेबांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्याचबरोबर रवी हजारे यांना सुद्धा विनंती करतो आपणास आहे आपणास विनंती आयोजकांकडनं की आपण सुद्धा येऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा.
तो बिल्कुल यहाँ से देखा जाए तो दूसरा ओवर भी काफी निर्णायक हो रहा है। वीके हजारे जो गेंदबाजी के तौर पे आए हैं और बैक टू बैक दो झटके जरूर दिए हैं। ऑन हैट्रिक और बिल्कुल स्वर्गीय शिवाजी दादा शैला स्मृति चषक की है पहली हैट्रिक यहाँ पर इस वीके हजारे के नाम। थँक्यू। त्याचबरोबर तुम्ही पाहतात व्यासपीठावर असं मात्र व्यक्तिमत्व यांचं आगमन झालं आहे। गतवर्षी आपण पाहिलं ही स्पर्धा मात्र केडम्सच्या मैदानावर उपलब्ध इथे मात्र अवेलेबल होती, तरी मात्र आम्ही ती स्पर्धा इथे कव्हर केली, पण यावर्षी ते ग्राउंड आम्हाला अवेलेबल नाही।